जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम के नाम वालों के बारे में बात करेंगे, यानी जिनका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए साल 2022 कैसा रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। और 2022 में के नाम वालों के प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, कैरियर, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार और धन की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप के नाम वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले के नाम वालों का आर्थिक जीवन यानी धन के मामले में बात करते हैं। के नाम वालों का राशिफल 2022 की बात करें तो इनके धन के मामले में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। जनवरी महीने से लेकर अप्रैल के महीने तक धन के मामले में थोड़ा अप एंड डाउन वाली पोजीशन रहेगी। इस दौरान के नाम वालों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। हालांकि 29 अप्रैल के बाद धन के मामले में स्थिति सुधरेगी और इस दौरान आप किसी तरह का मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसके अलावा 13 अप्रैल से के नाम वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। इस समय पर अचानक से कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, यानी रुका हुआ पेमेंट वगैरह आपकी मिल सकती है अगर आप व्यापार और कारोबार करते हैं, या फिर विदेश से किसी भी तरह के धन की प्राप्ति हो सकती है अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है, तो आपको अचानक से कुछ लाभ या कुछ मुनाफा भी हो सकता है। वहीं इस साल मई के मध्य में आपको धन के मामले में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपके बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सोच समझकर अपना खर्च करें और बजट बनाकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि धन संचय के मामले में इस दौरान थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है। और इस साल का जो आखिरी समय है वो आपके लिए अच्छा रहेगा और जुलाई के मध्य से आपके बेवजह के खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आप अपना धन कमाते हुए भी आपको धन के मामले में कमी महसूस हो सकती है। और के नाम वालों के कैरियर की बात करें तो कैरियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। इस साल आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास करते नजर आ सकते हैं और साल की शुरुआत में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में माहौल अच्छा रहेगा, आपके ऑफिस में माहौल अच्छा रहेगा, सहकर्मियों के साथ आपके बेहतर संबंध रहेंगे और बॉस के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पूरे साल के दौरान आपके करियर के मामले में अनुकूल रहने वाला है और 7 अप्रैल से लेकर 10 अगस्त तक के समय में के नाम वालों के जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे। और व्यापार कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा और नौकरी की तलाश में जो लोग हैं उनको नौकरी भी मिल सकती है। और आपके स्वास्थ्य की बात करें तो के नाम वालों के स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि आपको शुरुआती महीनों में थोड़ा स्वास्थ्य से छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं और वाहन चलाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है। और के नाम वालों को इस समय थोड़ा तनाव भी देखने को मिल सकता है, तो इस दौरान आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पौष्टिक आहार लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें, बाहर खाना खाने से बचें। सितंबर से नवंबर के बीच में आपको छोटे से छोटे और साधारण से दिखने वाले अगर कोई समस्या होती है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर से परामर्श लेना नहीं भूलें। बाकी समय अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। शिक्षा की बात कर लेते हैं तो के नाम वाले लोगों के लिए साल 2022 में शिक्षा के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। खासकर अगर बात की जाए साल के शुरुआती महीनों की, तो ये समय उन जातकों के लिए बेहतर रह सकता है जो किसी भी तरह की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, यानी किसी तरह की भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इस समय पर, और इस समय में के नाम वाले लोगों को प्रसन्नता भी मिलेगी और उन्हें बेहतर महसूस होता रहेगा और इस समय उनका पढ़ाई में मन भी लगेगा, एकाग्रता रहेगी और शिक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा जो कंपटीशन एग्जाम वाले हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है और जो सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। और जो किसी परीक्षा का परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं
तो उनके लिए तो परिणाम अच्छे आएंगे और कंपटीशन एग्जाम में सफलता के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही परिणाम मिल पाएंगे। के नाम वालों के लिए जुलाई से अक्टूबर का समय शिक्षा के लिहाज से बेहतर रहेगा और आपको इस समय पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 10 अगस्त से साल के आखिर तक का समय अच्छा है। आपके पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं तो के नाम वालों के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से थोड़ा मिला जुला सा साल रहेगा। 13 अप्रैल से आपके पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इस समय पर आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और इस समय में आप पर थोड़ा कार्य का दबाव देखने को मिलेगा, यानी काम का बोझ ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं और परिवार को भी समय कम दे पाएंगे और आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी बेहतर समय रहेगा। और अक्टूबर में अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो इस साल के अंतिम महीनों में आप खरीद सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, इस दौरान आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे और आपके संबंध अपने परिवार वालों के साथ बेहतर रहेंगे। इस साल ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप अपने परिवार के लोगों से जब भी बात करें तो बातों को घुमा फिरा कर नहीं करें, उनसे स्पष्ट रूप से बात करें, खुलकर बात करें। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, के नाम वाले लोगों के लिए साल 2022 थोड़ा मिले जुले परिणाम वाला होगा। साल की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, जनवरी के महीने में आपके रिश्ते जीवन साथी के साथ अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे और जीवन साथी से इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का लाभ भी हो सकता है अगर वो व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं। और इस साल आपके पार्टनर के जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं जिसका सीधा असर आपको शादीशुदा लाइफ पर देखने को मिलेगा और आपके पार्टनर में थोड़ा सा अहम आ सकता है, ये आप दोनों के बीच अनबन का प्रमुख कारण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने रिश्ते को बचाने के लिए आप कोई अहम ना करें और क्रोध से बचें, इस बात का ध्यान रखें। और जनवरी के महीने में आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा, आप दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, आप दोनों मिलकर मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं और आप दोनों के बीच प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगी। मई में जीवन साथी के साथ विवाद से बचना होगा और आप दोनों गलत फहमियों के शिकार भी हो सकते हैं जिसकी वजह से रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका रहेगी। तो जुलाई से अगस्त तक की समय के दौरान संतान पक्ष का भाग्य भी उदय हो सकता है और इन महीनों में संतान पक्ष की भी तरक्की होने की संभावना है जिससे पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। और वहीं इस साल के अंतिम कुछ महीनों का आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से बेहद अनुकूल रहेंगे और इस समय आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे। साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी, आपका रिश्ता रोमांस से भरपूर रहेगा और एक दूसरे को काफ़ी वक्त भी देंगे। यही वक्त आपके प्यार के रिश्ते की डोर को मजबूत करेगा। के नाम वालों को अपने ससुराल के लोगों से वाद विवाद बिल्कुल ना करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना जरूरी है क्योंकि यदि आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो इसका असर आपके गृहस्थ जीवन पर पड़ेगा, यानी आपके जीवन साथी पर पड़ेगा और आपके संबंध खराब होंगे और जीवन साथी से आपकी बातचीत खराब होगी और जीवन साथी से संबंध भी खराब होंगे। के नाम वाले लोगों के प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में वर्ष 2022 थोड़ा सामान्य से बेहतर रह सकता है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप दोनों के बीच आपसी सहमति होगी जिससे आप इस रिश्ते को महत्व देंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आप जिनसे भी प्रेम करते हैं आप एक दूसरे के साथ थोड़ा सहज महसूस करेंगे और के नाम वाले लोग इस साल प्रेम के मामले में अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी की सोच सकते हैं या शादी कर भी सकते हैं, ये आपके जीवन का अच्छा समय होगा। वहीं इस साल आपको अपनी लव लाइफ में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसे लेकर थोड़ा सा आप समस्याओं में देखे जा सकते हैं। और अपने पार्टनर के लिए ईमानदार रहें, उनका साथ दें ताकि किसी भी तरह की परेशानी आपके रिश्तों में ना हो। इस समय बेवजह के बहस करने से बचें और अपने साथी को खुश रखने का प्रयास करें, व्यर्थ के बाद विवाद से दूर रहें। जुलाई के महीने में काम की वजह से आपके पार्टनर को आपसे दूर जाना पड़ सकता है, इस साल आपके प्रेम संबंधों में अनुकूल रहने की संभावना है। साल के शुरुआत में ही आपको प्रेमी प्रेमिका का साथ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है जिसकी वजह से आपका मन खुश रहेगा। वहीं अप्रैल के महीने के बाद आपकी लव लाइफ में नई ऊर्जा का संचार होगा और इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में रोमांच बढ़ेगा और आपके प्रेमी या प्रेमिका से संबंध भी मधुर होंगे। इस साल अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, यानी कि
प्रेम संबंध से विवाह संबंध बनाना चाहते हैं वो भी विचार कर सकते हैं, और अप्रैल में आपके प्रेम जीवन में परिणाम शुभ मिलेंगे। और इस दौरान प्रेम में अगर कोई विवाह संबंध बनाना चाहता है प्रेम संबंधों को, तो अपने घर पर बात कर सकता है, उसकी बात मानी भी जा सकती है। जो लोग सिंगल हैं या फिर किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, उनके लिए साल 2022 में जुलाई का समय अच्छा रहेगा। इस दौरान के नाम वाले लोगों को प्रेम जीवन में सफलता मिलने और नई साथी मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, और साल के अंतिम कुछ महीनों में प्रेम संबंधों की ओर से विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है। इस दौरान आपको कोशिश करनी है कि आपके प्रेमी या प्रेमिका की बातों को गौर से सुने, वाद विवाद को नज़रअंदाज करें और कोशिश करें कि आपस की में कोई गलतफहमियां ना हो, और अगर आपस की कोई गलतफहमियां होती हैं तो वो दूर हो सकें। कोशिश करें कि अपने साथी को आप ज़्यादा समय दे पाएं तो अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको के नाम वालों के वर्ष फल 2022 के बारे में कुछ चर्चा की, यानी के नाम वालों को क्या परिणाम मिल सकते हैं 2022 में, इसके बारे में कुछ बातें की। ये बहुत ही सामान्य बातें हैं, सामान्य राशिफल है, ये सभी के नाम वाले लोगों पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।